भाई देख रहे हो ना ये, ओ भाई आ गए आ गए आ गए आ गए, अबे नहीं उड़ना नहीं है, अबे चोमू क्या कर रहे हो तुम यार, ओ भाई गया, ओ गया 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 गया। तो हमने प्राइम वल्चर को टेम कर लिया, उत्तरी ये जायगेंटिक एक्चुअली भाई, बहुत ज्यादा बड़ा है ये तो। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आर्क एक्सटेंशन कोर में गाइज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और गाइज जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमने इस ओपी बंदे को पकड़ा था, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा इसके बारे में भी मैं जरूर बताऊंगा आपको। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज गाइज, मेरे जो उड़ने वाले दोनों क्रीचर थे, वो एक क्रीचर तो भाई मेरा मर गया, बहुत बुरी मौत मरा है वो, मतलब ट्राइब वाले बंदों ने पहले उसे बेहोश बेहोश किया भाई, ट्रैंक व्रैंक करके मार दिया। यहाँ पर ट्राइब वाले बंदे आए थे मतलब ब्लू ट्राइब के, तो मेरे उसमें दो डायनो शहीद हो गए और ये डायनो पैसे पे थे इसलिए बच गए। और ये मैंने दो, हाँ ये दो ब्लू ट्राइब के बंदे मैंने टेम भी कर लिए, बट इनकी ये दूसरे टीम के थे, वो दूसरे टीम के थे, एक येलो ट्राइब के बंदे और पीछे घूम रहे हैं। तो मतलब हाँ यार ट्राइब का बहुत इशू है गाइस, वो चलते फिरते यार किसी को भी पेल जाते हैं, क्योंकि उनके पास नारकू रहते हैं ना, तो वो बंदे को बेहोश कर देते हैं फिर आराम आराम से मारते रहते हैं। तो गाइज हाँ ये थोड़ा सा इशू है उनके साथ, हाँ थोड़ा सा इशू है गाइज। और मैंने ये दो रूइन बना लिए अपने, ये वाला एक वो वाला, क्योंकि उसकी बहुत हेल्थ कम है और वो रिपेयर हो नहीं रहा है मुझसे, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है। तो और मैंने ये वाला दूसरा रूइन भी बना लिया, इसकी हेल्थ फुल है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं इस बंदे से जाने वाला हूँ, मतलब अब हमारे पास उड़ने वाला फ्लाइंग क्रीचर फिर से कोई नहीं बचा, मतलब कोई भी नहीं बचा, और सामने प्राइम डोडो घूम रही है। वैसे मैं चाहूँ तो इसको भी टेम कर सकता हूँ बट नहीं, क्योंकि प्राइम हमारे पास ऑलरेडी है। तो मैं जरा इसकी पावर दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इस चीज को आप जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं एक वुड, इस वुड पे इसकी पावर दिखाता हूँ, देखो ये कितना ओपी बंदा है, आप देखना इस चीज को, ठीक है। एक पेड़ सिर्फ ऑलमोस्ट, हाँ दो पेड़ मान लेते हैं, तो दो पेड़ों में भाई 4000 वुड, मतलब समझ रहे हो 4000 वुड, ठीक है। और अगर मैं फाइबर की बात करूं तो देखो गाइस, एक मतलब एक या दो शायद मतलब प्लांट से हम कितना फाइबर कलेक्ट कर सकते हैं, तो भाई 2000 मतलब 2400 के ऊपर का, तो मतलब हाँ ये। और अगर हम बेरीज की बात करें गाइस, तो ये देखो, देख रहे हो ना, एक बार में ऑलमोस्ट 300 नार्को बेरीज, समझ रहे हो ना, एक बार में ऑलमोस्ट 300 नार्को बेरीज। तो हाँ गाइस ये बहुत ज्यादा ओपी हो चुका है हमारा बंदा, और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग करता है, मतलब इसीलिए है ना भाई बेस्ट है। अगर आप भाई खेल रहे हो ना, कोई सा भी गेम खेल रहे हो भाई, सबसे पहला काम ये है ना कि आप इस वाले बंदे को भाई टेम करो, ये बहुत ओपी चीज है। और बाकी मेरे फ्लाइंग डायनो भी कोई भी नहीं बचा है, तो मुझे हाँ फिर से फ्लाइंग डायनो कोई ना कोई तो टेम करना पड़ेगा, अभी हाल फिलहाल तो मेरे पास कोई सोचा नहीं है मैंने, बट चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं उसे भी टेम कर लूंगा। तो अब हम आप गाइस, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास कोई फ्लाइंग क्रीचर नहीं है, तो हम उड़ के नहीं जा सकते डेफिनेटली गाइस। और उससे भी पहले गाइस, उससे भी पहले, तो आज सबसे पहला जो हमारा काम है वो कमेंट ऑफ द डे लेने का है। तो भाई कमेंट ऑफ द डे भाई रहने वाले हैं ऑसम गेमर, अगर आप साइड में देख रहे हो तो उनका कमेंट लिख के आ रहा है भाई, हाँ भाई प्रो, क्या बोलूँ मैं अपने आप को, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट है तो डेफिनेटली प्रो हूँ, अगर आपका सपोर्ट नहीं तो भाई नूब हूँ यार, सीधी सी बात है। आप लोग बहुत हेल्प करते हो तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, आप ऐसी सपोर्ट बना के रखो बहुत अच्छा लगता है। और गाइस उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। गाइस आप शेयर करोगे तभी तो हमारी फैमिली बढ़ेगी, तो गाइस ये तो आपको बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। बाकी कमेंट करो गाइस, ताकि मुझे पता चले कि आपको एपिसोड कैसे लग रहे हैं या आपको क्या क्या नई चीजें और चाहिए। तो ठीक है गाइस, हम सबसे पहले अपने इसी डायनो के साथ चलते हैं, मुझे पता बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि और दूसरी चीज, मैंने इसे थोड़ा सा लेवल अप भी किया, तो इसका थोड़ा सा डैमेज थोड़ा ज्यादा ही हो गया है एक्चुअली, मतलब कुछ ज्यादा हो गया ये देखो, मतलब मैंने सोचा नहीं था बट अब यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया इसका डैमेज, 12,000 के आसपास इसका डैमेज हो गया, मैंने इसे फुल लेवल अप कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने इसके थोड़े ज्यादा पॉइंट दे दिए हैं। तो चलो गाइस अब सबसे पहला हमारा यही काम रहेगा कि हम जल्दी से चलते हैं और ढूंढते हैं गाइस कोई ना कोई अच्छा डायनो, तो हम ढूंढ लेंगे। और मैं डेजर्ट की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेजर्ट में पता है 2-3 डायनो है जो मुझे मतलब भाग है, मतलब सीरियसली मैं बता रहा हूँ पसंद टाइप आ गए हैं, तो मैं गाइस उन्हीं को ढूंढने जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा डेजर्ट जाना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं अभी मैप दिखाऊं तो मेरे को बिल्कुल जस्ट सामने जाना है, अगर आपको मैं सही से बताऊं तो 40-30 के आसपास, तो हाँ गाइस मेरे को बहुत दूर जाना और बहुत ज्यादा टेंशन होने वाला है। तो चलो गाइस मैं वहां पहुंचता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, इधर से नहीं घूम के चलते हैं। तो गाइस हम डेजर्ट टेम्पल में आ गए हैं, और अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर बहुत सारे अजीब अजीब से डायनो, और मैं बहुत उल्टा सीधा घूम रहा था एक्चुअली गाइस, मैं तो खैर बहुत ज्यादा फास्ट। ओ भाई टाइटन हुआ, एक सेकंड ये कौन सा वाला, मेरे को टाइटन हुआ चाहिए, बट ये पैसे ये वाला नहीं, इसे हम पैसे भी टेम कर सकते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है, बट अभी मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे प्राइम वाला चाहिए, मुझे टाइटन हुआ चाहिए गाइस। ये रिवेंजर है, ये हमला करते हैं क्या, आई डोंट नो एक्चुअली, मुझे लगता है टेमेबल ये इस पर हमला नहीं कर रहा है, ये काफी अच्छा है, ये एक सेकेंड ये कौन सा है, फीमेल है, मुझे लगता है ये पैक है, मतलब पैक लीडर है, तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए।
और मैं कुछ दूसरे डायनोस को ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि शायद हमें कुछ, अरे एक सेकंड ये क्या चीज है भाई, स्केलेटन ब्रोंटो, इससे तो पंगा नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ओ भाई वो गलत, वो ये, ओ भाई वो बंदे 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 कौन सी ट्राइब के थे यार ये, ओ भाई देख रहे हो ना ये, ओ भाई आ गए आ गए आ गए आ गए, अबे नहीं उड़ना नहीं है, अबे चोमू क्या कर रहे हो तुम यार, ये गंदे ट्राइब वाले मेरे पास आ रहे हैं, तुम मरोगे। ये लो ये लो, सारे ट्राइब वाले मर गए, सारे ट्राइब वाले मर गए। और कोई ट्राइब वाला बंदा, अरे इसके पास तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, बट यार वो हमें मिलेंगी नहीं, बस वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। काश इनसे हमें कुछ अच्छा भी मिल जाता यार, इनसे हमें, अरे एक सेकंड, मेरे को केबल्स तो मिली हैं, बट ये केबल्स मेरे कोई खास काम की है नहीं। चलो ठीक है कोई बात नहीं। और एक एक यहाँ पर भी डोडोरेक्स भी घूम रहा है, ओ भाई बंदे, ओ भाई 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 बहुत खतरनाक खतरनाक, देख रहे हो ना, वो मैंने डोडोरेक्स नहीं था वो, ये कोई ट्राइब के बंदे हैं, मुझे वो मैंने एक सेकंड किसी को तो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये मैंने इस बंदे को मार दिया है क्या? ओ नहीं 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 नहीं, निकल लो निकल लो निकल लो निकल लो, मुझे टॉर्पोर नहीं चाहिए, मुझे टॉर्पोर नहीं चाहिए। ये भाई जो डोडो है ना, ये जो स्पॉन करता है भाई, बहुत गंदा टॉर्पोर देते हैं, इससे तो भाई बच कभी भी इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब नेवर एवर भाई, भागो बस जितना जल्दी हो सके ना, बस भाग लो भाई। टाइटन बुआ मुझे तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए था, सॉरी टाइटन बुआ मुझे। ओ भाई ये क्या चीज़ थी भाई, ये क्या क्या चीज़ है यार इधर उधर भाई, अरे नहीं 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 नहीं, ये एक और टाइटन हुआ, ये भी प्राइम वाला नहीं है, ओ प्राइम प्राइम था वो, प्राइम था, वन मिनट प्राइम टाइटन हुआ भाई, 100 लेवल का टाइटन हुआ है, बट मैं इसे जैसे ही मारूंगा यार ये मर जाएगा। मेरे पास कोई और तरीका, एक बग रिपेलेंट चाहिए, अगर मेरे पास एक बग रिपेलेंट होता ना तो मैं उसे डेफिनेटली मार सकता हूं, मतलब इसे हम टेम कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे सिर्फ पैसिवली टेम कर सकते हैं और इसका कोई तरीका होता है नहीं। तो गाइस एक सेकंड ये देखो, ये टाइटन हुआ है, वैसे ये तो नहीं मारेगा मुझे, लेकिन ये देखो यहाँ पर एक बंदा है भाई, इसका हम टॉर्पोर अगर दे पाए ना तो मतलब मजा आ जाए। इसे टॉर्पोर तो हमने दे दिया, लेकिन ये मर जाएगा यार, मैं इसे नहीं, अबे यार बस वही सबसे बड़ा इशू है ना। अरे यार नहीं 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 यार, इसको मैं मार दूंगा, अगर मैंने इसे कुछ भी किया तो ये मर सकता है। एक सेकंड मेरे पास वो पड़ा है, वो इसमें एक तीर भी लगा है, अगर मैं चाहूँ तो इसे मार सकता हूँ इससे। प्राइम वल्चर एक, अबे ये क्या चीज है भाई, ये क्या, एक सेकंड रुको, मेरे पास चार कुछ अजीब टाइप के नार्को मुझे मिले तो थे वैसे, ये देखो ये वाले चार, और कंपाउंड वो भी मिला था, तो एक सेकंड इनको भी तो ट्राई करके देख सकते हैं ना। पहले रुको एक सेकंड, मैं जरा आई डोंट नो कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बट चलो ट्राई करते हैं, एक्चुअली हम ट्राई करते हैं इसको। ओ भाई लगा लगा इसे, और 21K टॉर्पोर दिया इसने, कुछ ज्यादा तो नहीं दिया है, पर चलो ठीक है, इट्स ओके गाइस, जितना टॉर्पोर ये हमें दे देगा उतना ठीक है, बाकी का मैं इससे दे दूंगा अगर देखा जाए तो। अबे यार मार दिया उसने यार, बहुत गलत हो गया, मैं कह रहा हूँ ना गाइस, अब मेरे पास तीन वो और बच्चे हैं, अच्छे अच्छे हैं यार वो, बट यार वही प्रॉब्लम है गाइस, बहुत खतरनाक इसका डैमेज। ओ भाई एक और एक और एक और एक और, ये क्या चीज़ है, ये वही है ना, अरे ये दूसरा वाला, अच्छा मैं दूसरे वाले को दे रहा था टॉर्पोर, ओके 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 ओके, इस बंदे के पास, रुको रुको रुको, फिर तो मैं इसे गिरा सकता हूँ। अबे यार मेरे को बस ये ही नहीं चाहिए था, ओ भाई गया, ओ गया 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 गया, इसको कौन सी केबल चाहिए पहले, मुझे स्पॉइल मीट चाहिए, अरे अरे स्पॉइल मीट चाहिए इसको, स्पॉइल मीट तो, ओ भाई बैठ जाओ। अबे यार इनकी वजह से अलग मैं परेशान हूं, ये डोडो कुछ और है क्या आसपास, इसके पास मेरे पास एक सेकंड, मेरे पास होना तो चाहिए स्पॉइल मीट, 5 है यार, एक सेकंड कितना और चाहिए इसे, जीनो केबल, ये अर्जेंट टाइवस केबल, ओके ओके फाइन, हम अर्जेंट टाइवस केबल एटलीस्ट बना सकते हैं, ओके फाइन। तो मैं, मेरे पास एक टेबल पड़ी तो है वैसे, तो मैं सबसे पहले यहाँ से उतर, भाई बैठ जाओ, ये क्या नया नाटक है, ओके ओके हट जाओ भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं केबल को प्लेस कर, ये टेबल को प्लेस करता हूँ, या मैं अपनी टेबल साथ में लेके चलता हूँ भाई, हो जा प्लीज, ओके। तो अब मुझे यहाँ पे आरजी केबल चाहिए, जिसके लिए मुझे पहले इसमें थोड़ा सा मेटल डालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास काफ़ी है,
अर्जेंट टाइप केबल, ये मेरे को कितनी चाहिए थी मुझे नहीं पता, तो मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एक सेकेंड, शायद 10 चाहिए थी इसको, आई डोंट नो कि कितनी चाहिए थी, शायद 10 ही चाहिए होगी, एक बार और चेक कर लेता हूँ जब तक ये इसमें बन रही है। इसमें कितनी चाहिए इसको, स्पॉइलमेंट केबल 4 चाहिए। इससे पहले सबसे पहले मैं इसे नारकोटिक्स खिलाता हूँ, मेरे पास पड़े होंगे नारकोटिक्स, ये रहे नारकोटिक्स, मेरे पास काफ़ी नारकोटिक्स है, तो मैं इसे जल्दी से खिलाता हूँ ताकि इसकी जो टॉर्पर है भाई नहीं जाए, आधे से ज़्यादा जा चुका है ऑलरेडी। मेरे पास एक 80 mm इसका भी है, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे नारकोटिक्स भी बना लिए, पहले ये खिला देता हूँ, पहले जल्दी से कुछ केबल तो बन गई। अरे ये केबल बनी है भाई, बहुत टाइम लगता है केबल बनने में, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। और अगर देखें भाई तो ये बहुत ही, अरे एक सेकेंड, इसकी एक मिनट, इसका टॉर्पर अब घट नहीं रहा है, दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड थिंग। हाँ एक्चुअली इसका भाई, लेकिन ये कितना सही लग रहा है ना, वल्चर गाइस, हम वल्चर को भी टेम कर लेंगे। अब बस मुझे पैसिवली सिर्फ एक मतलब डायनो को और टेम करना है, बस बग रिपेलेंट चाहिए, तो मैं इसके थ्रू जाऊंगा, इसके थ्रू हम गाइस घर पर जाएंगे और एक मस्त सा अपना वो बना के लाएंगे बग रिपेलेंट, जो कि मेरे पास सब कुछ है, उसके लिए कुछ खास ज्यादा चाहिए नहीं। अरे यार प्लीज जल्दी से केबल्स बन जाओ यार, 2 केबल बनी है अभी, बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, और मुझे इस पर भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं गलती से उठ ना जाए। इसका टॉर्पर बढ़ रहा है बट बहुत धीरे बढ़ रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना तो काम हो गया है। वैसे थोड़े से और नारकोटिक्स दे देता हूँ, आई डोंट नो कि कितने ऐसे लगने वाले हैं वैसे, बट चलो ठीक है। 3 केबल हो चुकी है, बस मुझे 1 केबल और चाहिए, उतनी और बन जाती तो मैं उसे कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि इसे सिर्फ 4 केबल चाहिए और मैं 4 से ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा अपना। प्राइम वल्चर है, 150 लेवल का है, इट्स नॉट बैड गाइस, एक्चुअली स्टार्टिंग के लिए बढ़िया है। और गाइस कितना बड़ा है ना ये वल्चर, मतलब कितने छोटे छोटे से होते हैं, कितना बड़ा है यार भाई, मेरे को तो मजा आएगा इसको बन गया क्या। अबे यार 0 केबल हमारे पास पड़ी है यार, बट वही बात है ना कि अभी यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, अर्जेंट टाइप केबल है हमारे पास, तो हम इसे टेम तो इजीली कर ही सकते हैं, एटलीस्ट हम इसे कर सकते हैं। और इसका फूड जब तक नहीं है, मैं इसे फूड के लिए कुछ खिला देता हूँ, इसे हीलिंग वाला नहीं खिलाना है मुझे, फूड वाला खिलाना है इसे, ये फूड वाला ही है ना, हाँ फूड वाला है। चलो अब ये तुरंत तुरंत खा लेगा जल्दी से केबल, भाई केबल बन गया ना, बस ठीक है, अब मुझे इसको करना है बंद, छोड़ो, और मैं इसे जल्दी से सारी केबल्स डाल देता हूँ। भैया जाओ ना, क्या बात है, इसने खाना भी स्टार्ट कर दिया, और ये बस अभी टेम होने वाला है गाइस, इंस्टेंट टेम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली गाइस बात नहीं है गाइस। और हमने प्राइम वल्चर टेम, ओके गाइस ये देखो, तो हमने प्राइम वल्चर को टेम कर लिया, थोड़ा मुश्किल होता है इसे टेम करना, बट भाई ये तो जायगेंटिक है भाई, उत्तरी ये तो जायगेंटिक एक्चुअली भाई, बहुत ज्यादा बड़ा है ये तो, पर ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है गाइस, ये तो बहुत ज्यादा जायगेंटिक है एक्चुअली। बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, अभी देखो अभी तुमसे ही चलेंगे। चलो भैया तुम एक काम करो, तुम मेरी है ना ऐसे कंधे पर आ जाओ, मैं भाई इस पे जाऊंगा यार, अब तो हम इस पे जाएंगे। अरे क्या बात है, अरे भाई 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 क्या बात है, इसका टॉर्पर थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है वैसे देखा जाए तो। चलो तुम थोड़ा सा खाना वाना खा लो, और टाइटन बुआ देखो ये भाई पकड़ लेता है, ओके ओके ओके, ये देखो जरा गाइस, इसने ये पकड़ लिया टाइटन बुआ को, क्या बात है। तो भाई इसने हवे में ही मार दिया उसे यार, ये तो बहुत सही चीज़ है यार। इसके अटैक देख लेते हैं जरा हम, अगर देखा जाए तो। एक सेकंड, इसका टॉर्पर नहीं, इसका ब्लड कम है, कुछ तो भी कम है गाइस यार इसका, ये अजीब सा कलर मेरे को इफेक्ट दे रहा है, आई डोंट नो क्यों दे रहा है। फास्ट भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है एक्चुअली, हर चीज़ में सही है, और 600 का कुछ डैमेज है, इतना बुरा भी नहीं है इसका, बढ़िया दे रहा है, हर चीज़ अच्छी दे रहा है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, और अभी मैं इसकी लेवल्स देखता हूँ, जो कि काफ़ी बढ़ गई होंगी, तो 7 लेवल बढ़ रही हैं, और मैं अभी तो अभी इसे भाई मेले डैमेज में देने वाला हूँ सारी की सारी, अभी हाल फिलहाल हम मेले डैमेज में देंगे। और टाइटन बोट वेनम भी हमारे पास आ गया है, तो गाइस हम जल्दी से घर पे चलते हैं, मतलब मैं बेस पे जाता हूँ और फिर यहीं वापस लौट के आता हूँ, वो सब आपको मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत बोरिंग है, और आप बोर तो डेफिनेटली होना नहीं चाहोगे। तो मैं बेस पे जाऊंगा, इसकी थोड़ी सी लेवल अप करूंगा, मतलब रास्ते में जितने भी हमें क्रीचर मिलेंगे उनको मारते जाऊंगा, इसे थोड़ा सा लेवल अप करूंगा, और फिर गाइस हम मतलब मेरे को जो बग रिपेलेंट चाहिए मैं वो बना के लाऊंगा। मुझे आज टाइटन बुआ को टेम करना ही है, मतलब हर हालत में टाइटन बुआ मुझे चाहिए ही चाहिए। तो हाँ गाइस मैं बग रिपेलेंट को बनाने जा रहा हूँ, और भाई अच्छा यार 3000 का डैमेज दे रहा है, इतना बुरा नहीं, और स्पीड भी अच्छी खासी है इसकी वैसे देखा जाए तो। ठीक है, एक फ्लायर तो एटलीस्ट हमारे पास हो ही गया, और ये काफ़ी बड़े क्रीचर को उठा भी सकता है, एक अच्छी चीज़ है। चलो मैं एक बार देखता हूँ ये कितने बड़े क्रीचर्स तक को उठा तक सकता है। हट जाओ सामने से मेरे, मुझे कोई डायनो चाहिए जो कि बड़ा हो साइज में। ओ भाई वहाँ तो जाना नहीं है, नहीं 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 वहाँ नहीं जाना, अभी अभी टेम किया हमने, मर जाएगा वो, मर जाएगा। अरे अरे ये रहा ये रहा ये रहा बंदे, इनको उठाने की कोशिश करता हूँ, ये काफ़ी बड़े डायनोज हैं। ओ भाई इसको भी उठा लिया इसने तो, ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, देखो
अरे भाई ये तो बहुत बड़ा, एक सेकंड रुको मेरे को, फिर तो भाई मजेदार हो रखा है, इसको दिखा, उठा के देखते हैं ये क्या चीज है। कार्नो, कार्नो को, वो कार्नो उठा लिया उसने, वो भाई कार्नो मार दिया। अरे ये तो बहुत सही चीज है यार, वल्चर तो बहुत ओपी चीज है भाई, ये तो मतलब किसी भी डायनो को उठा के हम मतलब पेल सकते हो उसे यार, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है भाई, ये तो सही है यार, ये लो। बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया वो। नाइस 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 गाइस। और सीजे कुछ करता है क्या? सीजे कुछ नहीं करता, इसके सिर्फ दो ही अटैक है गाइस, लेफ्ट एंड राइट। चलो ठीक है, हम बेस पे चलते हैं गाइस, और जल्दी से मैं वापस लौट के आता हूँ फिर फटाफट से। तो गाइस हम वापस आ गए हैं अपने मतलब बेस से। भाई इसको भी मैंने फुल लेवल अप कर दिया, और ये काफी फास्ट उड़ रहा है, मुझे पता है मुझे फिर से ग्रिफिन की जरूरत है मतलब, बट चलो अभी अभी जाने देते हैं हम। ये यहाँ पर कुछ है क्या? तो यहाँ पर अब मेरा काम रहेगा भाई टाइटन बुआ को ढूंढना, और अब हम इसे भी मार सकते हैं, बहुत इजीली मार सकते हैं, बट अभी मैं ये सब कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैं आपको एक बार इसका फिर भी डैमेज दिखा देता हूँ, ये काफी ओपी हो चुका है अभी इस टाइम पर, ये देखो इसे। हाँ इसे हम 3000 का डैमेज दे पा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा कम ही लेता है भाई, इसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ से दूर जा रहे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस मैंने तो इसे एवं ही मार दिया, छेड़ दिया। मुझे टाइटन बुआ ढूंढना है फिर से, वो प्राइम वाला, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उसे डेफिनेटली टेम करने वाला हूँ। ये क्या चीज़ है, प्राइम वाला है क्या? टाइटन बुआ प्राइम वाला, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसको लगता है क्या है पहले मेरे को देखने दो। टाइटन बुआ एग, अच्छा केबल, इसको टाइटन बुआ एग केबल, मतलब भाई ये सही है यार। तो मुझे फिर एक काम करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा दूर जाके मुझे पहले केबल्स वगैरह बनानी पड़ेंगी। और ये क्या डग बीटल भाई, ये भी पैसिव है ना, इसको यार मेरे पास कुछ है नहीं यार खिलाने को। जीनो केबल भाई होनी चाहिए यार, मेरे पास जीनो केबल नहीं है ना, तो थोड़ा सा इशू हो रहा है। घर पर तो है, बहुत सारी है मेरे पास, बट यहाँ पर नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है गाइस। तो ये देखो गाइस, ये रही हमारे पास टाइटन बुआ की केबल, और इसे मुझे कितनी बनानी चाहिए, इसे हम कम से कम 5 तो एटलीस्ट हम बना ही लेते हैं। चलो 5 बना लेते हैं हाल फिलहाल के लिए गाइस। तो इसमें जब तक केबल बन रही है, मैं एक आध दो बार और देख लेता हूँ यहाँ पर कहाँ पर है, अगर मैं सही तरीके से देखूँ तो। कौन है भाई? ओ नहीं 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 नहीं, गलत सीन गलत सीन। अबे नहीं नहीं, अबे नहीं नहीं, बहुत गलत सीन हो गया भाई। बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, मुझे नहीं इन इन लोगों को भाई। अरे नहीं 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 यार, वो मर जाएगा मेरा बंदा भाई, मर जाएगा वो। कौन है, कौन है यहाँ पर, कौन था भाई? मुझे लगता है वो मर गया। अरे यार ये ब्लू ट्राइब वाले ना, इनकी तो मैं पेटी बना के रहूंगा, रुक जाओ जरा, चल हट यहाँ से। चलो केबल केबल केबल, जल्दी फास्ट मुझे केबल दे दो 4। अरे यार एक तो बहुत स्लो मोशन में बनती है केबल्स यार, शाह। बट ये अच्छा है गाइस, ये वाली जो टेबल है ना, केबल टेबल है ये, आप ये वाला मॉड जरूर डाल देना, तो आपको केबल के लिए इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, क्योंकि यार इस मॉड में बिना केबल के आपसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें जितने भी क्रीचर है बिना केबल के टेम ही नहीं होते वो, तो मतलब फालतू कोशिश करना भी मत। और मेरा काम तो बस यही है कि यार कैसे भी देखते हैं गाइस, कुछ ना कुछ अच्छा सीन तो होएगा। मुझे बस टाइटन बुआ को कैसे भी जल्दी से जल्दी टेम करना है, मतलब जितना जल्दी हो सके मैं उसे टेम करूंगा। एक एक देखते हैं हम गाइस टाइटन बुआ, मेरे पास देखा जाए तो मेरे पास देखो 5 बग रिपेलेंट में ज्यादा बना के नहीं लाया, क्योंकि इतने ज्यादा रिसोर्सेज भी मेरे पास अभी नहीं है, स्टार्ट किया है गाइस गेम तो। हाँ चलो तुम यहाँ आओ, तुम भी यहाँ आओ, और तुम उठ जाओ। तो चलो अब गाइस हमारा एक ही काम रह गया कि हमें जल्दी से टाइटन बुआ को ढूंढना है, और इसका भाई फूड बहुत कम है, बट कोई बात नहीं, मैं इसका चाहूँ तो अभी फूड बढ़ा सकता हूँ, मैं फूड के लिए भी एक बना सकता हूँ, बट छोड़ो उतना सब कुछ हमें चाहिए नहीं अभी। और मुझे लास्ट स्लॉट में ये रखना होता है ना, एक सेकेंड रुको, ये क्या चीज़ है, हीलिंग वाला नहीं है ना, स्टार वाला, ओके तो मैं ये रखता हूँ लास्ट में, और केवल बाद में रखूंगा, अभी सबसे पहले ना मैं वो चेक करता हूँ कि मुझे टाइटन बुआ मिलेगा कहाँ पे। चलो तो हम टाइटन बुआ ढूंढते हैं, कोई अच्छा सा टाइटन बुआ। तो गाइस हमें एक मिल चुका है, ये रहा प्राइम टाइटन बुआ, 100 लेवल का है, मुझे लगता है शायद 100 की मैक्स होते हैं शायद से, और इसे हमें पैसिवली टेम करना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे कितनी केबल चाहिए, मुझे टाइटन बुआ एक केबल चाहिए। अरे भाई ये तो बहुत ईजी हो जाएगा यार। अरे इसने मेरे को टॉर्च और दे दिया यार, शिट शिट शिट, बहुत गलत सी। अबे ये मुझ पे हमला क्यों कर रहा है? बट टाइटन बुआ वेयर आर यू, यही है ना, हाँ यही है यही है, इसने मेरे को टॉर्च और दिया था, यही है वो बदतमीजापी। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो बग रिपेलेंट खाता हूँ। बग रिपेलेंट किधर है मेरा? अब अगर मैं उसके पास जाऊँ तो शायद वो मुझे ना मारे, आई डोंट नो, बट चलो देखते हैं एक बार चेक करने में क्या ही जा रहा है। अगर मारेगा तो भाग जाएंगे। बग रिपेलेंट मारेगा 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 भैया मारेगा। ये क्या सीन है भाई? बट ये तो गलत चीज है यार, मैंने तो बग रिपेलेंट लगाया भाई, सारे एग्रो हो रहे हैं, कतई नूप पंती है यार ये तो। अबे ये क्या नया सीन है, अब फिर मैं इसको कैसे पकड़ूंगा?
भाई वो तो आ गया भाई पहली फुर्सत में हमारे पीछे आ गया, चलो टाइटन बुआ छोड़ देते हैं फिर हम आज का हमारा जो प्लान है भाई टाइटन बुआ निकल लो यहाँ से, मैंने बग रिपेलेंट लगाया भाई, फिर भी ये मतलब कतई नूब डायनो रखे हैं भाई, मैं मतलब बग रिपेलेंट लगाया हूँ फिर भी मेरे पीछे पड़े हैं, ये तो गलत चीज़ है यार। इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, शायद मुझे लगता है कि वो जो गिली सूट होता है ना शायद वो पहनना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद ये मुझे ना देख पाए। हाँ तो शायद यही कुछ सीन होगा, ऐसे तो मैं इसे टेम नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं या फिर और कोई तरीका होता है क्या इनको टेम करने का, यहाँ से तो भाग जाते हैं क्योंकि कोई फायदा है नहीं। तो गाइस हम अगेन अपने बेस पर वापस आ गए हैं और यहाँ पर वो प्राइम लोडो घूम ही रहा है क्या अभी, तो मैं उस प्राइम लोडो को फिर मार दूंगा। चलो हम प्राइम लोडो की पेटी बनाए, किधर है वो प्राइम लोडो, किधर गया वो, इधर ही था ना, किधर गया वो, हाँ ये रहा प्राइम लोडो। सबसे पहले इसकी हंटर पंटर जंटर जंटर को खत्म करते हैं, हंटर पंटर जंटर खत्म, अब इस वाले की बारी, प्राइम डोडो तुम्हें हमसे कौन बचाएगा, यू ओ भाई नहीं ना, यू प्राइम डोडो तुम्हारी पेटी कंफर्म। ओ भाई प्राइम डोडो मारने से हमें बहुत कुछ मिलता है भाई, प्राइम क्रीचर तो मारते रहने चाहिए, देख रहे हो ना आप इससे काफी कुछ, देख रहे हो ना हमें सिट्रोनल विट्रोनल सब मिल जाता है, पहले भी देखो आलू आलू सब मिलता है हमें, मतलब खेती करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं है, मैं यहाँ इसमें तो मेरे को खेत भी नहीं बनाने की जरूरत गाइस, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत कुछ मिल जाता है, 3000 तो मेरे पास नार्को बेरीज पड़ी है गाइस, मतलब कुछ अलग ही लेवल का है। ओके तो ये हटा लेते हैं और एक तरीके से ये भी हटा लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो ना गाइस कितना ओपी लगता है ये, कितना बड़ा जायगेंटिक है भाई, जायगेंटिक देख रहे हो ना, जायगेंटिक मतलब सही में यार, मतलब हद से ज्यादा जायगेंटिक है, अगर देखा जाए तो देख रहे हो ना भाई कितना बड़ा है भाई ये प्राइम वल्चर, जायगेंटिक है भाई सही में। क्यों 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 क्या हो गया भैया, नशे में आ जाते हो क्या तुम? तो आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, अगर आया हो तो गाइस प्लीज लाइक करना और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही देना यार, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, आप समझदार हो प्लीज यार शेयर जरूर करना, हमें हमारी फैमिली जल्दी से जल्दी भाई, मैं कोई एम नहीं दूंगा आप खुद समझ जाओ, आप अपने हिसाब से एम रख लो और भाई बस कर दो भाई लाइक वाइक ठोक दो शेयर वेयर कर दो और भाई अपने हिसाब से देख लो कमेंट वमेंट यार क्या क्या बताऊँ। चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस आप करते रहिए वीडियो को एंजॉय।